वहाँ दूर पहाड़ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, वहाँ जाना है मुझे। मुझे पता नहीं है वो कौन सा पॉइंट है, पूछते पूछते पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे। दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। अभी हम ये आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने वन ट्री हिल पॉइंट कवर किया था, वो भी मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जितना था शायद उससे भी एक स्टेप आगे था, इतना अच्छा था। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता, जो भी पॉइंट होगा आपको तो टाइटल में दिख रहा होगा, लेकिन मुझे फ़िलहाल पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है। तो इस तरफ जाते हैं। दोस्तों थक चुका हूँ, पैर थक गए, बॉडी थक गई है, कमर टूट गई है, लेकिन ये एक्सपीरियंस यहाँ पे माथेरान का एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। मैंने इसके पहले वीडियोस बनाए थे मनाली के, कंपेयर नहीं कर सकते तुम। वहाँ का एक्सपीरियंस एकदम अलग है, यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम अलग है, लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो एडवेंचर की तरफ ज़्यादा अच्छा है। आप अगर देख रहे हो तो धीरे धीरे ना मौसम फिर से चेंज हो रहा है और हवा में फिर से फॉग आ रहा है। टाइम भी बहुत हो गया है, आई थिंक अभी 2:35 हो रहा है। यहाँ पे 5 बजे से पहले मुझे कैसे भी करके मार्केट तक पहुँचना है। तो हम जल्दी से चलते हैं, इस पॉइंट को कवर करते हैं। इस पॉइंट से उम्मीद बहुत है मुझे, क्योंकि मैंने वन ट्री हिल पॉइंट से वहाँ पे देखा था जो ये पॉइंट है, और मुझे लगता है ये वन ट्री हिल पॉइंट से भी और ज़्यादा बेटर होने वाला है। उसका व्यू, उसका सीनिक व्यू और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा टेम्पटिंग होने वाला है। तो दोस्तों लेट्स गो फॉर इट। थक गया हूँ मैं पूरी तरह से, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आए पूरा कवर करेंगे, पूरा माथेरान कवर करेंगे, जितना कवर कर सकते हैं हर चीज़ को कवर करेंगे, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से पॉइंट्स पे जाना है, कौन से पॉइंट्स पे नहीं जाना है, कौन सा एक्सपीरियंस लेना है, कौन सा एडवेंचर लेना है। आप पहले मेरे वीडियो के ज़रिए देख तो लो, शायद बारिश नहीं, थैंक गॉड मुझे ऐसा लगा बारिश आ रही है, लेकिन हवा में धीरे धीरे फॉग बहुत आ रहा है। और जैसे जैसे ये टाइम अभी दोपहर है, जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा ना, ये एरिया थोड़ा सा और साइलेंट, थोड़ा सा और स्कैरी, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। लेकिन मुझे उस टाइम तक रुकना नहीं है, मुझे कैसे भी करके 5 बजे तक वापस मार्केट पहुँचना है। अभी 2:40 के आसपास हो रहा है, आगे बढ़ते। पॉइंट कौन सा है मुझे नहीं पता, आपको टाइटल में पता है, लेकिन जो भी है साथ में एक्सपीरियंस करेंगे। अगर एफर्ट पसंद आ जाए ना तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर ये वीडियो पसंद भी आए और मुझे सपोर्ट करना चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर से ब्राइट हो गया है, फॉग फिर से थोड़ा सा कम हो गया है। ये जो चढ़ान है ना, ये तुम्हारा स्टैमिना टेस्ट करता है लिटरली। आगे बढ़ते चलो। फिर से काफ़ी ब्राइट हो गया है। वहाँ पे पीछे की तरफ जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो काफ़ी फॉगी था, लेकिन अभी वापस थोड़ा ब्राइट हो गया है। सांस अब फूल रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे जितना हो सकता है, जितना जान में जान है, पूरा माथेरान कवर करेंगे। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, क्या पता साला कोई एक पॉइंट जो छूट गया बाद में पता चला वो और ज़्यादा बेटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब एक्सपीरियंस करना है। वन ट्री हिल पॉइंट तक ना एक दो लोग दिख रहे थे, यहाँ तो पूरा सुनसान है, और यहाँ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि मेरे को लोग मिलेंगे, पर आगे चलते जाते और देखते कि और कितना आगे जाना है। आई थिंक हम 400 मीटर ही चले होंगे, जैसे वो बोर्ड, मेरे को वो बोर्ड याद आ गया जो हमने देखा था बेल्वेडर पॉइंट के वीडियो में, कि 400 मीटर के बाद, वन ट्री हिल पॉइंट के 400 मीटर के बाद बिग चौक पॉइंट है। अब हम यहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आज सब कवर करेंगे। ये जो पूरा सर्कल है ना जो मैं अभी ले रहा हूँ,
बेलवेडर पॉइंट, वन ट्री हिल पॉइंट और ये बिग चौक पॉइंट, और जहाँ तक मुझे याद है शायद आगे रामबाग पॉइंट आएगा। ये इस पूरे एक सर्कल को कुछ बोला जाता है माथेरान में, मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको ये वीडियो में या अगले कोई ना कोई वीडियो में, यही सर्कल वाले वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। फिलहाल व्यू दिखना शुरू हो गया है और दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि ये व्यू भी बहुत मस्त है। कुत्ता, यहाँ कोई नहीं है ऐसा लग रहा है, बस ये भौंके ना। है कोई तो है। थोड़ा सा ही उतरना पड़ा, 2 मिनट, और ये पॉइंट भी आ गया। वाह, मज़ा आ गया यार। ये पॉइंट मैं माथेरान 3-4 बार आया हूँ लेकिन ये पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए थे, और अब मुझे ये सारे पॉइंट्स देख के लग रहा है कि क्यों। और हर पॉइंट अलग है, हर पॉइंट का एक्सपीरियंस अलग है, हर पॉइंट का सीन अलग है। बताता हूँ आपको, अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से देखना। वो देखो वहाँ पे फॉगी फॉगी, वाह यार। ये कौन सा लेक है या कौन सा रिवर है या ये क्या है, अगर आप में से किसी को पता है ना तो मुझे बताइए ज़रूर। बहुत खूबसूरत है यार। रुको रुको, अभी छोड़ के नहीं जाना मेरे को। अलग अलग एंगल्स है इस पॉइंट पे और अलग अलग व्यूज आपको मिलेंगे। यहाँ पे देख लो अच्छे से और दिखाता हूँ। ये देखो, अच्छा ये रेलिंग पे भरोसा मत करना दोस्तों, कि ये रेलिंग को मस्त टेका लेके तुम लोग व्यू देख रहे हैं, भरोसा मत करना, क्योंकि इतने डिपेंडेबल ये लग नहीं रहे। वाह, वहाँ पे वो पहाड़ की जमावट देखो यार, खुदा भी एक अलग आर्टिस्ट है। खूबसूरत खूबसूरत, बे इंतहा खूबसूरत। वहाँ पे था मैं, वन ट्री हिल पॉइंट, बहुत खूबसूरत। वाह, जितना देखो उतना कम लगे। वैसे ये छोटा सा गार्डन जैसा भी यहाँ पे बना हुआ है, ग्रीनरी है हर तरफ, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, यहाँ बैठ भी सकते हो, आराम से सुकून से बैठो और इस व्यू का मजा लो। ये व्यू का नाम क्या था, ये पॉइंट का नाम मैं फिर से भूल गया, बिग चौक पॉइंट था शायद। एक से बढ़कर एक पॉइंट है यार। बेलवेडर पॉइंट जब देखा था तो लगा था कि यार बस ये माथेरान का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। वन ट्री हिल पॉइंट देखा तो लगा यार ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जो बिग चौक पॉइंट है ये भी कम नहीं है। वाओ, तो दोस्तों आई होप मेरा एफर्ट आपको पसंद आते जा रहा है, मैं ऐसे वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। अगर आप ये नई एडवेंचर नई मतलब करना चाहते हो ना, तो मेरे वीडियो के ज़रिए हर पॉइंट का, हर व्यू का, हर सीन का मज़ा ले लो। और ये आखिरी पॉइंट नहीं है, इसके बाद हम और कवर करेंगे, ये पूरा सर्कल लेंगे और जितने भी पॉइंट्स हैं सारे कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ये पॉइंट अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। तो बस दोस्तों, इस बिग चौक पॉइंट में इतना ही था, जितना बता सकता था, जितने एंगल से आपको व्यू दिखा सकता था दिखा दिया। मिलता हूँ आपसे अगले ट्रैक पे। बिग चौक पॉइंट के बाद क्या आता है मुझे भी नहीं पता, पर देखते हैं। और इस सीरीज़ को, इस माथेरान की एडवेंचरस सीरीज़ को, थक गया हूँ यार थोड़ा सा, तो फफला रहा हूँ तो ठीक है यार। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मुझे सपोर्ट करते रहना। बाय।